सिट्सू, ये एक चाइनीज वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल लोइन, क्योंकि दिखने में छोटे शेर की तरह लगते हैं और इसी वजह से इन्हें ये नाम दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे हमारे इन्हीं लिटिल चैंप्स के बारे में और जानेंगे कि आप लोगों को कितने अफोर्डेबल प्राइस में मिल सकते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप लोगों को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हमारे इन लिटिल चैंप्स की क्वालिटी को देखें, तो क्वालिटी जो है वो A1 है, बट इन पपीज में आप लोगों को सिर्फ मेल ही मिल पाएंगे क्योंकि फीमेल ऑलरेडी सेल हो चुकी है। वैसे गाइस, सिट्सू एक ऐसी डॉग ब्रीड है, अगर आप लोग कहीं ट्रिप पर भी जा रहे हो तो आप लोग इन्हें अपने साथ ले जा सकते हो, क्योंकि बिल्कुल छोटे से क्यूट से डॉग्स होते हैं जो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल लाइट वेट में होते हैं, इनका वेट 3-5 kg तक होता है। वैसे अगर आप लोग इस ब्रीड को परचेज करते हो तो आप लोगों के पूरे घर का माहौल चेंज हो जाएगा, क्योंकि काफी खुश मिजाज डॉग ब्रीड है और ये आप लोगों को भी काफी खुश रखेंगे अपनी नोटी नोटी एक्टिविटीज से। वैसे काफी लोगों की मेरे पास कॉल आती है और वो पूछते हैं कि ऐसी कौन सी डॉग ब्रीड है जिसकी पूरी ग्रोथ होने के बाद भी उनका साइज काफी छोटा रहता है। तो सिट्सू भी आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप लोग ऐसी कोई डॉग ब्रीड परचेज करना चाहते हो तो, क्योंकि इनकी जो हाइट है वो मैक्सिमम 8-11 inches तक हो सकती है और इनकी जो लाइफ स्पैन है वो 10-14 years तक आसानी से हो जाती है। ये थोड़ी सी कम या ज्यादा भी हो सकती है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप लोग इन डॉग्स की कैसे केयर करते हो और उन्हें कितनी बैलेंस्ड डाइट देते हो। तो अगर आप लोग एक स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड परचेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को सिट्सू के लिए जाना चाहिए, क्योंकि कम स्पेस में भी काफी आसानी से रह सकते हैं और आप लोगों के साथ डोर टू डोर घूमते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, पपीज जो है ये A1 क्वालिटी में है। तो अगर बात करें इनके पेरेंट्स के बारे में, तो फ्रेंड्स फिलहाल जो आप लोग देख रहे हैं ये इन पपीज के फादर हैं, जो कि एक्सीलेंट क्वालिटी में है। और मदर की क्वालिटी के लिए आप लोग डॉग ओनर से पर्सनली डिस्कस कर सकते हो, वो आप लोगों को फोटो वीडियोस व्हाट्सएप कर देंगे। वैसे फादर को उन्होंने काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, तो आप लोग भी इन डॉग्स को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो इनकी डेली ब्रशिंग करके, क्योंकि ये चीज इनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके डॉग्स का कोट हमेशा स्मूथ एंड हेल्थी बना रहे तो इन्हें डेली ब्रशिंग करें, ताकि इनके कोट में जो भी डस्ट या डेड हेयर्स हैं वो बाहर निकल सके। तो फ्रेंड्स, अगर इन चैंप्स की एज के बारे में बात करें तो भाई ये सिट्सू पपीज 2 months के हो चुके हैं एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है मेरठ उत्तर प्रदेश से। एंड डिलीवरी की बात करें तो ओनर आप लोगों को अप टू 100 kilometers तक डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे एक्स्ट्रा चार्ज पर, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि जितना हो सके आप लोग डिलीवरी को अवॉइड करके डायरेक्ट ओनर के पास जाकर ही इन्हें परचेज करें, तो आप लोगों के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। तो फाइनली इन लिटिल लॉयंस यानी सिट्सू के प्राइस के बारे में बात करें, तो भाई ये जो पपीज हैं ये सिर्फ मेल्स ही अवेलेबल हैं एंड ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो के 21,000 rupees यानी 21,000 rupees। वैसे क्वालिटी के हिसाब से प्राइस काफी जेन्युइन है, बट इनमें भी आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप लोग डॉग ओनर से बार्गेनिंग कर सकते हो। तो गाइस, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।